बैठक में कही है। इधर झारखंड के दौरे पर आए कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे का गीतांजलि बैंक्वेट में स्वागत समारोह के बाद उनसे बात की हमारे सहयोगी विपिन ने। अविनाश पांडे हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से आज मंच से आपने एक बात कही है, संगठन सर्वोपरि है, इसकी भी समीक्षा करेंगे कि सरकार में रहकर लाभ कितना हुआ। निश्चित रूप से देखिए, दो साल हमने सफलतम दो साल हुए हैं, कुछ इसमें बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, और स्वाभाविक है कि समीक्षा के माध्यम से कार्यकर्ताओं की भावना और यहाँ पर संगठन की इसमें कितनी मजबूती हमको मिली है, अगर उसमें कोई कमी प्राप्त होती है और अगर सब लोगों से ये ऐसा महसूस होता है कि उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, तो एक सकारात्मक तरीके से हमारी पूरी कोशिश होगी। हमें विश्वास है कि जब हम मिलकर काम कर रहे हैं, जब मिलकर सरकार चल रही है, तो उसमें लेकिन सम्मान और साथ ही साथ संगठन की मजबूती, ये उसमें सबसे ज़्यादा उसकी प्राथमिकता रहेगी। और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए हम सब बधाई के पात्र रहेंगे। कुछ चीज़ें अगर कमी हैं या कार्यकर्ताओं की भावनाएं कहीं पर दुखी हैं और कहीं पर हमको लगता है कि कुछ कमजोरियां हैं, तो उस कमजोरी को, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी की हमारी भूमिका सिर्फ एक झारखंड के प्रति नहीं, लेकिन हमारी जवाबदारी पूरे देश के अन्य नागरिकों के प्रति भी है। तो नेचुरली इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके ऊपर में यहाँ के हमारे सभी प्रमुख नेतागण मिलकर उसके बारे में गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, और साथ में बैठकर हम मुख्यमंत्री जी, हमारे लोग, सब लोग साथ में बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कैसे जनहित में हम और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उस कार्यक्रम को पहले बना के और उसको फिर आगे उस पर कार्य करें। सर, कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, उसको लेकर क्या कुछ पहल आपकी तरफ से होगी? अब मैंने पूरा अभी मेरे ख्याल से मैंने भाषण तो किया नहीं, मैंने सिर्फ यही चीज का जानकारी दी कि मेरे आने का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि यहाँ पर संगठन को मजबूती दें, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुने। जिला निहाय मैं कल बैठकें कर रहा हूँ, सभी 24 जिलों की इकाइयों के साथ में मैं बैठक करूंगा, वहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ में बैठ कर चर्चा करूंगा, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, चाहे परिणय हो, मियाँ बीवी का संबंध भी ऐसे होता है कि काम बीवी करती हैं और फायदा हम लोग ले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें रहता है, बट वो इतना भी ना हो कि जहाँ पर सम्मान को ठेस पहुँचे, तो उस चीज को जरूर हम गौर करें। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन बातों का उल्लेख उन्होंने किया है और इसकी बात की भी समीक्षा की जाएगी कि सरकार में अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को कितना फायदा है, और अगर खास करके बात करें तो संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान लाना उनका लक्ष्य होगा। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।